हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस भयानक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में एक बच्चा और 3 महिलाएं भी शामिल है। हादसा केएमपी एक्सप्रेसवे पर बादली और फरूखनगर के बीच में हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है मरने वाले सभी लोग यूपी के फिरोजाबाद के नगला अनूप गांव के रहने वाले थे। ये बादली से मात्र 5 किलोमीटर फरूखनगर की तरफ की एक आगे ट्रक खड़ा था, उसके पीछे एक आर्टिजा गाड़ी थी और पीछे से एक तेज स्पीड रफ्तार वाले उसके पीछे टक्कर मार दी, जो कि दोनों ट्रकों के बीच में गाड़ी पिचक गई और वही मौके पर डेड हो गई। कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की। अच्छा बच्चा है जो भी यही एडमिट है। पहचान हुई है अभी? ये पहचान नहीं। बता दें हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के थे, जो एक किराए की अर्टिगा गाड़ी में सवार होकर गोगा मेड़ी से वापस घर की तरफ जा रहे थे। जब वे बादली और फरूखनगर के बीच में पहुंचे तो लघु शंका के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर एक ट्रक के पीछे की। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में आते हुए ट्रक ने गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं गाड़ी का चालक और एक महिला हादसे के वक्त गाड़ी से बाहर थे, इसलिए वो बच गए। घायल बच्ची को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छोटी बच्ची के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में रखवाया। साथ ही पुलिस ने फरार ट्रक चालक की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए।